मेरे पेरेंट्स की अपनी खुद की कंपनी थी, उनके पास बहुत सारे काम होते थे, इसी वजह से वो हमेशा दूसरे देश में रहते थे, जिसकी वजह से मुझे अपने बड़े से बड़े आलीशान घर में अकेले रहना पड़ता था। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती थी, लेकिन मेरे पास कोई था जो हमेशा मेरी फैमिली की तरह रहता था, वो मेरी दो दोस्त पूजा और ऋषिका, जो काफ़ी अच्छी लड़की थी और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी। हम तीनों ही बेस्टीज ब्लैक पिंक की बहुत बड़ी फैन थी। आपको सच बताएं तो हम ब्लैक पिंक के पीछे पूरे पागल ही थे। हम हमेशा ब्लैक पिंक के सॉन्ग सुना करते थे, उस पर डांस किया करते थे। हमारा बहुत ही बड़ा सपना था कि हम ब्लैक पिंक के कॉन्सर्ट में जाएं। फिर एक दिन, क्या सच में हमें टिकट मिल गए ब्लैक पिंक के? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमें ब्लैक पिंक के टिकट मिल गए। थैंक यू रियली थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमें ब्लैक पिंक के टिकट मिल गए। अब जल्दी से ये बात ना मैं पूजा और ऋषिका को बताती हूँ, उन्हें अभी फ़ोन करके बुला लेती हूँ। हेलो पूजा, ऋषिका, तुम लोग अभी के अभी जल्दी से मेरे घर की छत पर आ जाओ। हंसना हंसाना रूठना मनाना। ओह वाओ, तुम लोग आ गए। गाइस गेस करो आज तुम लोग की आज क्या हो सकता है? क्या? हाँ बताओ, मैं इतना खुश क्यों हूँ आज? मुझे तो लगता है तुम्हारे ना मम्मी पापा घर आ रहे हैं। अरे नहीं, मेरे मम्मी पापा घर नहीं आ रहे, अभी एक महीने पहले ही तो वो गए हुए थे विदेश। कुछ फिर? और बात है, तुम गैस करो। ये नहीं है तो फिर क्या है सोनम? मुझे तो लगता है एग्जाम में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए। मुझे देखकर लगता है मेरे कभी अच्छे मार्क्स आ भी सकते हैं, कभी अच्छे नहीं आते मेरे तो। यार तो अब तुम ही बता दो कि क्या हो सकता है। हाँ। बता दूं? जल्दी बता दूं? हाँ। सो गर्ल्स सुनो, हमें ब्लैक पिंक कॉन्सर्ट का टिकट मिल गया है। ये! हाँ, हम नेक्स्ट वीक सियोल जाने वाले हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा जो सपना था बचपन से ब्लैक पिंक कॉन्सर्ट देखने का, वो पूरा होने वाला है। आई डोंट बिलीव दिस यार। अरे अब तुम लोग थैंक यू बोलना बंद भी करो, हमें शॉपिंग भी करना है बहुत सारी, क्योंकि हमें साउथ कोरिया जो जाना है। चलो चलते हैं। चलो शॉपिंग करते हैं। इसके बाद से ही हम तीनों फ्रेंड्स बहुत ज्यादा शॉपिंग करने लगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। यार हमारी फ्लाइट का टाइम है 8 बजे, हम लोग 4 बजे एयरपोर्ट पर जाकर क्या करेंगे? हाँ यार, एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। चलो। हाँ सात बजे चलेंगे एयरपोर्ट पर, है ना? हाँ। अच्छा है हम लोग एक दिन साउथ कोरिया पहले जा रहे हैं, ताकि अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। अच्छा सुनो, तुम दोनों यही बातें करो, मैं ब्लॉक करना तो भूल ही गई, मैं ब्लॉक कर लेती हूँ, ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जाने वाले हैं सियोल यानी कि साउथ कोरिया, और मेरे साथ है मेरी दो बेस्टी पूजा और ऋषिका। सो हम लोग एयरपोर्ट के जस्ट बगल में ही हैं, कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। अभी दोस्तों मैं एक बहुत ही खाली सी जगह पर हूँ, और ये कि जस्ट एयरपोर्ट के पीछे है। पूजा छोड़ो ना, हमारा फ्लाइट का
किसी का तुम कैसी दोस्त हो? यहाँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें कॉन्सर्ट में जाने की पड़ी है। हाँ यार, तुझे चलना है तो चल, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ। किसी का तू ऐसा कैसे कर सकती है? यादें पुरानी कुछ बीते लम्हे, आधे पुरानी आँखी है नम। अरे ये मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ ये मैं? सोनम, सोनम तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था जब तुम रोड पे ब्लॉगिंग कर रही थी ना, हमसे बहुत दूर चली गई थी तुम। ओ गॉड, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ कि मैं रोड पर ब्लॉगिंग कर रही थी? ओ गॉड, तुम लोग भी मेरी वजह से सियोल नहीं जा पाए। नहीं सोनम, ऐसी बात नहीं है यार, तुम ठीक हो ना? वही काफी है। ओ वो ऋषिका नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? ऋषिका, ऋषिका सोनम हमें छोड़कर साउथ कोरिया चली गई है। ऋषिका ऐसा कैसे कर सकती है? पता नहीं यार सोनम, पर मैं तुम्हें सब बताती हूँ अभी। ऋषिका तुम कैसी दोस्त हो? यहाँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें कॉन्सर्ट में जाने की पड़ी है। हाँ यार, तुझे चलना है तो चल, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ। ऋषिका तू ऐसा कैसे कर सकती है? सोनम, ऐसी बात है सोनम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ऋषिका हमें छोड़कर साउथ कोरिया जा सकती है। सोनम रो मत यार प्लीज, ऐसी हालत में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। कैसे ना रोऊं, जिसे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी वो धोखेबाज निकली, वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए मुझसे दोस्त बनी हुई थी। पूजा थैंक यू सो मच, तुमने आज मेरी जान बचाई, मुझे हॉस्पिटल लेकर आई तुम। क्यों ना बचाती सोनम, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसे कैसे छोड़ देती तुमको वहां पर? थैंक यू सो मच पूजा। कोई बात नहीं सोनम, अब तुम बात रो मत, ठीक है? ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। तेरा में पूजा, पूजा क्या हुआ सोनम? ये देखो, ब्लैक पिंक कॉन्सर्ट के टिकट मेरे बैग में रखे हुए थे। वो पागल लड़की ऋषिका बिना टिकट के कैसे जा सकती है? क्या सच में सोनम? हाँ, वो समझी कि उसके पास टिकट है, पर ये टिकट तो मेरे पास थे। हाँ, अब वो कैसे गई होगी? हाँ, आज कितनी तारीख है? 8। हाँ, मतलब हम लोग एक दिन पहले सियोल जाने वाले थे, अभी भी हम लोग ब्लैक पिंक कॉन्सर्ट देखने जा सकते हैं। हाँ यार, कितनी खुशी की बात है, हमारे पास मात्र 3 घंटे हैं। चलो जल्दी से चलो।